नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज निश। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि जब वो कॉमेडी करते हैं तो भी एंटरटेन करते हैं, जब वो एक्शन फिल्में डायरेक्ट करते हैं तो भी एंटरटेन करते हैं। उनकी जिंदगी में सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए तीन ही चीज है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर सच अ वार्म इंट्रो। थैंक भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 36 साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, और हु कैन फॉरगेट मालगुडी डेज। और आज 36 साल, कैसा लग रहा है सर? इट्स नॉट अ लाइक बहुत लंबा सफर है और बहुत सारी यादें हैं, तो इस 36 सालों को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, सफर तो लंबा था, यादें भी बहुत सारी है, पर वो जी सफर पल भर में जैसे निकल गया। ऐसा लगा अभी अभी तो किया था मालगुडी डेज, इतने जी साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जी ज्यादातर काम में बिजी रहा और जी प्लस साथ में ऑडियंस का प्यार और दुलार, तो उन सब में ये साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। पर ऐसा जी लगा कि अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत सारी ऑडियंस का और प्यार बाकी है। अच्छा भाई, बताइए, मैंने जब आपको मैं देख रहा हूं बहुत सालों से, आप वही चीजें प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, उसमें एक्ट भी करते हैं, इतने सारे अवतार कैसे आप एक साथ कर पाते हैं? बिकॉज प्रोड्यूसर का जो एक एक्ट होता है और थॉट प्रोसेस होता है, डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस होता है और एक्टर का थॉट प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल तीनों अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, बट आप इसको इतने कमाल से, इसको इतना सिंपल सिंप्लीफाई कर देते हैं और वो दिखता भी है सर आपके किरदारों में फिर। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने प्रोड्यूस तो को प्रोड्यूस एक ही अब जी तक किया था, उसके भाई बाद में मेरी हिम्मत नहीं बनी क्योंकि वो एक अलग ही जिम्मेदारी है जी और इट्स अ थैंकलेस जॉब, और मुझे लगता है उसके लिए एक अलग किस्म का टैलेंट चाहिए होता है, लोगों से डील करने का, यू नो अबाउट द बजटरी थिंग्स एंड कमर्शियल्स एंड हाउ टू यू नो मेक गुड शोज विद इन लिमिटेड बजट, वेदर एनी फॉर्म, वेदर इट इज फिल्म और टीवी और वॉट एवर। सो फिर एक ही बार वो मैं रहा को प्रोड्यूसर किसी एक टीवी शो का, फिर मैंने कान पकड़ लिए कि भैया ये टैलेंट हमारे में नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। और एक्टिंग और डायरेक्शन साथ साथ में चल रहे थे, तो वो दोनों में मुझे मजा आता है, तो कभी कभार वो ऑन एंड ऑफ मेरा चलता रहता है। जिस तरह का प्रोजेक्ट ऑफर आया जी और उस हिसाब से अगर मुझे कोई पसंद आ गया बतौर डायरेक्टर या बतौर एक्टर, तो मैं फिर उसमें अपनी जान डालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई, अगर हम पूछे, ये तो देखिए आपके पास की बात हो गई, लेकिन आज की ताजा खबर क्या है? आज की ताजा खबर यह है कि आज ही ताजा खबर रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ये ताजा खबर, ये एक वेब सीरीज है जो बहुत ही मजेदार है, और कल इसका प्रीमियर शो हुआ था और जितने भी लोग आए वो गागा रह गए, मतलब उनके मुंह खुले के खुले रह गए, इतना जी जबरदस्त रिस्पांस रहा। और अब सुबह से जब से स्ट्रीमिंग शुरू हुआ है तब से मैसेजेस और ईमेल्स और सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त रिस्पांस आना शुरू हो चुका है। तो ये पहली बार है जब मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ, इतने सालों से मैंने कुछ फिल्में की और टेलीविजन कई साल तक किया, जी इधर एज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर। तो फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना आया, तो कब से इच्छा थी कि मैं भी ओटीटी को एक्सप्लोर करूं, एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था, और जी इसलिए टेलीविजन के लिए फिलहाल मैंने ब्रेक लिया है, क्योंकि वो टेलीविजन ऐसा होता है कि साथ साथ में आप कुछ और नहीं कर पाते हैं, जी वो बहुत ही टाइम डिमांडिंग वगैरह होता है। तो मैंने सोचा ओटीटी एक्सप्लोर करता हूँ, तो ऑफर्स तो आते रहे, पर फिर ये ताजा खबर का जब ऑफर आया तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया शो है, और जी इसमें मेरा जो किरदार है महबूब भाई का, वो भी एक अलग किस्म का किरदार है, तो मुझे लगा मुझे ये निभाने में बड़ा मजा आएगा, एंड इट कुड बी द राइट चॉइस फॉर माई ओटीटी डेब्यू। सर, लेकिन जिस तरीके से आप एंटरटेन करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्में हो, और चाहे ये अब ओटीटी है, आप देरी मत करा करिए, क्योंकि लोग आपका इंतजार करते हैं, आप इतने एंटरटेन करते हैं अपने किरदारों से, तो लोग यही पूछ रहे थे कि देवेन भाई ने इतनी देरी ओटीटी के लिए क्यों, क्योंकि ओटीटी पे इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है और ओटीटी इतना पसंद किया जा रहा है, तो देवेन भाई इतनी देरी क्यों?
जी मेनली कि जैसे कि मैंने कहा मैं राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था और प्लस साथ साथ में जो प्रायर कमिटमेंट्स थे तो वो मुझे पूरे करने ही थे। और ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर मैं कम दिखाऊं, वो एक सोची समझी साजिश थी, एज इन कि मैं अपने आप को अलग अलग चीजें करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं किसी टेलीविजन शो का क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता हूँ, तो कभी स्क्रिप्ट सुपरवाइजर बनता हूँ, एक फिल्म में अभी मैं फीचर फिल्म में लिख भी रहा हूँ। तो ऐसे अलग कभी कोई एक्टिंग वर्कशॉप के लिए मुझे बुलाते हैं तो वो कंडक्ट करता हूँ। तो ऐसी कई सारी दूसरी चीजें हैं जो मैं करते रहता हूँ, और टेलीविजन डायरेक्शन भी करता हूँ। पर जब टेलीविजन डायरेक्शन करता हूँ तो चेहरा है तो वो दिखता, क्योंकि साथ साथ में मैं नहीं करता हूँ मोस्टली, तो इसलिए वो टेलीविजन पर दिख नहीं पाता। पर या मेरा काम तो चलते रहता है। सर ये में अगर हम 92 की बात करें, जो जीता वही सिकंदर, तो जो घनश्याम था वो तो जीत गया था, लेकिन जो सिकंदर था वो देवीन बन गया था उससे। That's quite a compliment. सिकंदर तो आमिर खान ही रहेगा हमेशा, और हम उसके साथीदार रहेंगे। और ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ हर इंसान अपने आप में एक सिकंदर होता है, वो जो चाहता है वो अगर बहुत सही जज्बे से उसमें हार्डवर्क करें और अगर किस्मत उसका साथ दे तो वो सिकंदर बन ही सकता है। देखिए आप जो आपका जो नया प्रोजेक्ट है, ताजा खबर, मैं आपको ये बता दूं कि आपका हर प्रोजेक्ट ताजा होता है और वो इतनी सारी खबरें लेके आता है एंटरटेनिंग, जो ताजा खबर बन जाती है। तो ये आपका जुड़ाव ताजा खबर से पहले ही था, क्योंकि आप हमेशा ताजगी पेश करते आए हैं और वो आपकी सारी ताजगी खबरों में बनी रही। और ये जी कारण है सर कि एक किस्सा है और जो आज तक ताजा है, वो ये है कि जब आप छुट्टियों में अपने अंकल की शॉप पे जाते थे तो मैच पेयरिंग का जो आपने काम बखूबी करते थे, देखिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बिजनेस वहीं से शुरू हुआ था। हाँ, वो मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा जरूर। वो जब मैं छोटा था वेकेशन में मामा के यहाँ जाया करता था गुजरात में, तो मामा की मैचिंग सेंटर थी, वो ब्लाउज पीस मैचिंग सेंटर की दुकान थी, जामनगर तो हाँ जामनगर में, तो वहां पर हम भी दुकान पे जाया करते थे। हम दो तीन भांजे थे तो हम भी काउंटर के पीछे खड़ा रहा करते थे और यू नो कुछ सीखते थे, मस्ती करते थे। तो कोई भी कस्टमर आता था, कोई भी लेडीज आती थी साड़ी लेकर मैचिंग ब्लाउज पीस खरीदने, तो हम सारे तीन भांजे थे तो हम तीनों टूट पड़ते थे कि ये कस्टमर को मैं हैंडल करूंगा, मैं हैंडल करूंगा। और फिर वो साड़ी को मैच करता हुआ ब्लाउज पीस निकाल कर उनको देते थे, वैसे बेचते थे। पर मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं तब भी इतना ही परफेक्शन में मानता था, तो कभी कभार ब्लाउज पीस चार पांच ऑप्शंस में दिखाता था साड़ी के जो नजदीकी ऑप्शंस हैं, तो उसमें से एक दो ऑप्शंस वो लेडी को पसंद भी आ जाते थे ग्राहक को, लेकिन फिर मैं ही उसमें नुक्स निकालता था कि नहीं नहीं ये इतना मैचिंग नहीं है और आपको बेटर मैचिंग मिल सकता है, वो हमारी शॉप में नहीं है, हमारे मामा के शॉप में नहीं है, आपको वहां फलानी थर्ड लेन में वो गली है, वहां बड़ी मैचिंग सेंटर है तो वहां पर आपको इसका मैचिंग मिल जाएगा, तो आप वहां से खरीदें क्योंकि ये परफेक्ट मैचिंग नहीं है। सो इसलिए मैं जाने अनजाने में बचपने में किसी ग्राहक को कभी वहां से निकालता भी और मैं नामक की डांट खाता था, यार वो लेडी तो खुश थी, वो ग्राहक जो थी वो खुश थी, उनको तो मैचिंग पसंद था, तुमने क्यों टांग अड़ाते हो यार। पर मैं परफेक्शन में तब भी मानता था जो आज भी मानता हूं। ताजा खबर के साथ साथ जो ताजा कॉम्प्लीमेंट है उसमें भी माहिर है, आप तुरंत दे देते हैं। सर देखिए जैसे हम कहते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, डॉक्टर इज प्राउड टू बी अ डॉक्टर, लॉयर इज प्राउड टू बी अ लॉयर, एंड हलवाई इज प्राउड टू बी एन हलवाई। लेकिन जब हम कॉमेडी लगातार करते रहते हैं तो हम एक टाइपकास्ट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं यार, वी आर नॉट ऑलवेज प्राउड टू डू लाइक कॉमेडी, वी डू वॉन्ट टू डू एक्शन ऑल्सो, हम ड्रामा भी करना चाहते हैं, थ्रिलर भी करना चाहते हैं। तो लेकिन आप हमेशा कॉमेडी में हमें दिखे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये क्योंकि आपने परचम तो हर जोन में लहराई है, लेकिन कई बार आप टाइपकास्ट होके रह जाते हैं। जब आपका चेहरा आता है तो मुस्कान रहती है कि अब हंसी आने वाली है, अब हंसाना है। तो ये हंसाना खैर सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अब इसमें आप और कौन कौन से जॉनर है जिसमें आप हमें अभी दिखेंगे एज एन एक्टर? ओके सो जैसे कि आपने कहा, बहुत सही एग्जांपल दिया कि अ डॉक्टर इज जनरली प्राउड टू बी अ डॉक्टर एंड लॉयर इज प्राउड टू बी अ लॉयर। सो मी
आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर एंड आई एम अ प्राउड टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर। करेक्ट वर्सेटाइल एक्टर में सभी आ जाता है, इट जी ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉमिक एक्टर। सो जी आई एम अ कॉमिक एक्टर एंड आई एम अ प्राउड टू बी अ कॉमिक एक्टर। पर खास करके क्योंकि हमारे देश में कॉमिक एक्टर्स की बहुत स्कैर्सिटी है, इसलिए मैं वो एक्टर हूँ जो कॉमेडी भी कर जानता हूँ। तो क्योंकि कॉमेडियंस की स्कैर्सिटी है, इसलिए मुझे वो वाले काम ज्यादा मिलते हैं और मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वन ऑफ दो रेयर एक्टर्स हूँ जो कॉमेडी कर पाता हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कॉमेडी कर पाता हूँ। एंड हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि मुझे पास्ट में जब भी कभी दूसरे किस्म की एक्टिंग का जी मौका मिला तो उसको भी मैंने जस्टिस करने की पूरी कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, बाबू और बेबी का, जैसे कि गट्टू आपने जिक्र किया था बिल्कुल शुरू में, तो गट्टू ऑफकोर्स बहुत ह्यूमर क्रिएट करता था, भोला भाला बच्चे जैसा वो इंसान था। लेकिन जब भी उसका इमोशनल सीन आता था, सैड मोमेंट्स आते थे, तो गट्टू का पैथोस भी मैं ऑडियंस तक पहुंचाता था। उसमें भी मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक सफल रहा। मुझे इतने सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं, रिस्पॉन्स आता है कि भाई यहाँ तो गट्टू ने रुला दिया यार, गट्टू को पाव भाजी नहीं मिली तो मेरा बच्चा भी घर पे खाना नहीं खा पाया, यू नो ऑल दोज थिंग्स। और एक किस्सा भी है, बच्चे खास करके बहुत प्यार करते थे गट्टू जी को, कि एक कैंसर पीड़ित बच्चा था तो उसको लास्ट स्टेज में कैंसर था बेचारे के, तो जी उसकी आखिरी इच्छा थी कि गट्टू को मिलने की। तो मुझे जब ये पता चला, मैं तुरंत भागकर वहां गया और बच्चे से मिला। तो इस तरह से गट्टू इमोशनल भी लोगों को टच करता था। ऐसे ही भाकरवड़ी में भी मेरे कुछ इमोशनल सीन थे, या बिल्कुल तारा फॉर एग्जाम्पल, सालों पहले पहला डेली सोप तारा, तारा सीरियल, तो उसमें मेरा अवार्ड पेठा भी कुछ, मिला था सर, हाँ जी अवार्ड भी मिला था सर। हाँ जी हाँ, तो उसमें मेरा पेठा का किरदार था, जो पेठा एक गे कैरेक्टर है, पेंजी कैरेक्टर है, जो लोगों को हंसाता था, लेकिन जी उसके साथ साथ पेठा एक इमोशनली गे कैरेक्टर था, तो उसके भी कॉम्प्लेक्सेस, और वो किसी मैन के प्यार में पड़ता है तो क्या क्या कैसे फीलिंग से गुजरता है और क्या उसके इमोशंस है, तो वो सारा उसमें कवर किया हुआ था इतने सालों पहले। तो इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम आई वुड से, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी जैसे कि हम ताजा खबर की बात कर रहे हैं, तो जी इसमें मेरा अलग ही किरदार है। इसमें मेरे इससे कॉमेडी बहुत कम आई है, पर इमोशनल मोमेंट्स ज्यादा आई हैं। ही इज अ सीरियस बंदा, महबूब भाई नाम है। एक तो मैंने जी इस टाइप का किरदार किया नहीं है, जी इवन लुक वाइज, कि उसके रेड ब्राउनिश हेयर हैं और फ्रेंच बियर्ड है और मूछे हैं नहीं और सुरमा लगाते हैं, और टिपिकल महबूब भाई हैं, और बहुत भले इंसान है। ही इज लाइक, ही इज अ राइटियस गाइड एंड काइंड हार्टेड, और उसकी एक बेकरी है, अंडा पाव वगैरह बेचते हैं, और बेटी है तो बेटी को पढ़ाने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। जिंदगी में एक बेटी ही है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसमें एक बार ऐसा भी आता है कि एक डिलेमा आता है कि जब उनको अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना करना या बेटी की पढ़ाई, तो दोनों में जी से क्या चूज करें। सो इस टाइप का ये किरदार है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जो मुझे करने में बड़ा मजा आया। अच्छा देवेंद्र भाई, क्योंकि आप लिखते बखूबी बहुत बेहतरीन हैं और आपकी जो डायरेक्शन है वो भी हमने देखी है कमांडो में, क्या बेहतरीन आपने एक्शन दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरी सवाल है कि हम जिस तरीके से अभी थिएटर्स में देख रहे हैं कुछ कंटेंट अभी हम पसंद नहीं आ रहे कुछ ऑडियंस को, या कंटेंट खींच नहीं पा रही है ऑडियंस को, तो क्या लैग कर रहे हैं हम? अगर हम माने एक एक 70 mm पे हम क्या लैग कर रहे हैं सर? मेरा जितना भी तजुर्बा है, वेदर एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मैं हमेशा अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे कि मैं मेरे ही डायरेक्ट किए हुए कमांडो 2 जैसे की बात करें, तो वो एक्शन था। बिल्कुल साराभाई वर्सेस साराभाई जो मैंने डायरेक्ट किया था, वो एक अलग किस्म की कॉमेडी थी। इंस्टेंट खिचड़ी एक अलग किस्म की कॉमेडी थी। तो इस बिल्कुल तरह से मैं अलग अलग वेरिएशन देने की कोशिश करता हूँ।